कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इस दौरान भारतीय रेलवे भी बंद है। ऐसे में यात्रियों के मन में कई सवाल हैं कि लॉकडाउन के बाद वो ट्रेन से पहले की तरह ही सफर कर पाएंगे या नहीं। अगर 15 अप्रैल से भारतीय रेल का संचालन शुरू हो गया तो हो सकता है कि यात्रियों को शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस जैसी फुल एसी ट्रेन में सफर करने को न मिले। साथ ही जनरल श्रेणी के कोच भी हटाए जा सकते हैं या फिर शायद ट्रेन की मिडिल और साइड अपर बर्थ को खाली रखा जाए। इसके अतिरिक्त वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर रोक लगाई जा सकती है। हो सकता है कि अन्य ट्रेनों से भी एसी कोच हटाकर सिर्फ स्लीपर कोच लगाकर ऑपरेशन को शुरू किया जाए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना सैनिटाइज किए उसमें सवार नहीं होने दिया जाएगा। यात्रियों को कम से कम 2 घंटे पहले तक स्टेशन पर बुलाया जा सकता है, जिससे उनके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। हालांकि रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रा के लिए अब तक किसी प्रोटोकॉल को जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेना अभी बाकी है। इस मामले में जब कोई फैसला लिया जाएगा तब संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी अगर लॉकडाउन बढ़ा तो ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। और लॉकडाउन के बढ़ने के आज पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद संकेत साफ मिल रहे हैं, यानी 15 अप्रैल के बाद ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।